Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक वो है जॉब सिक्वेंसिंग विद डेडलाइन प्रॉब्लम. सो एग्जांपल्स काफी इजी है. सो आपको मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा बस उसी तरह से सारे एग्जांपल आप सॉल्व कीजिए. तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है फॉर द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ जॉब गिव द स्नैपशॉट ऑफ एग्जीक्यूशन विच विल अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट. और साथ में हमें एक टेबल दिया है जिसे हमें इसे सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ करना है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, आपको हमेशा प्रॉफिट वैल्यू को आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. क्वेश्चन में अगर बाय डिफॉल्ट आपको पहले से दी है सॉर्टेड वैल्यू सो आप उसे वापस से टेबल मत बनाइए. पर अगर क्वेश्चन में अगर सॉर्टेड प्रॉफिट वैल्यू अगर नहीं है सो फर्स्ट स्टेप में आप उसको सॉर्टिंग कीजिए और फिर से आपको उसका टेबल बनाना है. तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप वन, फिर आपको यहाँ पे लिखना है सॉर्ट द जॉब इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिट वैल्यू. सो आपको हाईएस्ट प्रॉफिट वैल्यू से आपको स्टार्ट करना है और आपको अरेंज करना है टुवर्ड्स लोएस्ट प्रॉफिट वैल्यू. और इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर टेबल में पहले से आपको जॉब नंबर दिया है सो जब भी आप अरेंज करो हमेशा जॉब का नंबर और डेडलाइन बस आपको यही यूज़ करना है. अगर जॉब नंबर अगर नहीं दिया है सो आप बाद में आप जब सॉर्ट करोगे तो आप उसे सीरियल लिख सकते हो, पर अगर दिया है सो आपको जो नंबर दिया है बस आपको वही यूज़ करना है. सो देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट वैल्यू है 30, सो आपको यहाँ पे लिखना है 30 और साथ में उसका जॉब नंबर आपको डेडलाइन वैल्यू वही यूज़ करनी है जो कि है 7 और डेडलाइन वैल्यू है 2. अब इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट वैल्यू है 20, सो आपको यहाँ पे एंटर करना है 20 और जॉब नंबर है 3, डेडलाइन नंबर है 4. अब 20 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है 18, सो आपको यहाँ पे एंटर करना है 18, जॉब नंबर है 4 और डेडलाइन की वैल्यू है 3. उसके बाद देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, सो 18 के बाद है 6, फिर आप एंटर करोगे 6, जॉब नंबर है 6 और उसकी डेडलाइन की वैल्यू है 1. अब नेक्स्ट हाईएस्ट है 5, जॉब नंबर है 2 और डेडलाइन की वैल्यू है 3. अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट है 3, जॉब नंबर 1 और डेडलाइन की वैल्यू भी दी आपको 1. और लास्ट में है 0, जॉब नंबर 5 और डेडलाइन की वैल्यू है 2. अब इसके बाद आपको एक सीक्वेंस जनरेट करना है. सो देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है. इसके बाद आपको लिखना है स्टेप 2, सिलेक्ट मैक्सिमम डेडलाइन. टेबल में हाईएस्ट डेडलाइन की वैल्यू है 4, यानी आपको टोटल बनाना है 4 मेमोरी ब्लॉक्स. सो आपको यहाँ पे लिखना है 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे लिखिए डी इक्वल टू 4. उसके बाद है स्टेप 3. अब आपको ये स्टेप से आपको हर एक जॉब का आपको एग्जीक्यूशन करना है. सो एक स्टेप में बस एक ही बार एक जॉब का एग्जीक्यूशन होगा सो आपको सीरियल जाना है. सो देखिए सबसे पहले हम जॉब इंसर्ट करेंगे जॉब नंबर 7. सो आपको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट जॉब J7 जिसकी प्रॉफिट की वैल्यू दी है हमें 30 और उसकी डेडलाइन की वैल्यू है 2. सबसे पहले यहाँ पे लिखिए डेडलाइन की वैल्यू, सो 0, 1, 2, 3 और 4 और जॉब नंबर है J7. सो यहाँ पे लिखिए पी इक्वल टू 30 और डी इक्वल टू 2. अब इसमें एक और चीज़ याद रखी है, देखिए यहाँ पे डेडलाइन की वैल्यू है 2, यानी J7 की डेडलाइन वैल्यू है 2. सो आप ये वाले ब्लॉक में भी आप उसको रख सकते हो. बाद में जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे तो फिर इसमें आपको सिर्फ स्वैपिंग करना है. अगर किसी जॉब की अगर वैल्यू ग्रेटर है सो हमारे पास अभी डेडलाइन वैल्यू है 4, तो किसी जॉब की अगर 4 वैल्यू है सो जितने भी रिमेनिंग ब्लॉक्स रहेंगे आप कभी भी उसको आप रख सकते हो. अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जॉब है जॉब नंबर 3. सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट जॉब J3 और उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 20 और उसकी डेडलाइन की वैल्यू दी है हमें 4. सो पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4. सो पहले हमने J7 इंसर्ट किया था तो आपको वो भी लिखना है सबसे पहले. उसकी प्रॉफिट की वैल्यू 20 और डेडलाइन की वैल्यू दी है हमें 2.
अब नेक्स्ट जॉब है J3, सॉरी J7 की 30 थी वैल्यू, अब प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे 20, और हमें डेडलाइन की वैल्यू दी है यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पे डेडलाइन की वैल्यू 4 है, सो ये रिमेनिंग ब्लॉक्स में आप J3 कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो। बस आपको लास्ट स्टेप में बस इसका स्वैपिंग करना है ताकि ये डेडलाइन की वैल्यू के हिसाब से सारे जॉब्स अरेंज हो जाए। इसके बाद है फिर स्टेप 5, अब हम इसका नेक्स्ट जॉब सिलेक्ट करेंगे, वो है J4। सो आपको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट जॉब J4, आप जिसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 18 और हमें डेडलाइन की वैल्यू दी है यहाँ पे 3। सो जो आपने पहले से इंसर्ट किया है वो भी आपको लिखना है J7 और J3, और नीचे में उसकी पहले डेडलाइन वैल्यू लिखी है 0, 1, 2, 3 और 4, और फिर इसको एंटर कीजिए J4 को, और उसके नीचे में हम उसकी प्रॉफिट की वैल्यू और डेडलाइन की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे। तो J7 की वैल्यू थी P इक्वल टू 30 और डेडलाइन की वैल्यू है 2, और J3 की है P इक्वल टू 20 और डेडलाइन की वैल्यू है यहाँ पे 4। अब नेक्स्ट है J4, J4 की वैल्यू है P इक्वल टू 18 और डेडलाइन की वैल्यू है 3। सो आपके अभी ये 3 जॉब्स आपने एंटर कर दिए है, अभी बचा है लास्ट जॉब। इसके बाद है स्टेप नंबर 6। सो देखिए नेक्स्ट जॉब है जॉब नंबर 6, फिर आपको लिखना है यहाँ पे सिलेक्ट जॉब जे इक्वल टू 6 और उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 6 और डेडलाइन की वैल्यू दी है आपको 1। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप डेडलाइन की वैल्यू के हिसाब से आप वो ब्लॉक्स में रख सकते हो। सो देखिए इसकी डेडलाइन की वैल्यू है 1, यानी आपको ये पहले ब्लॉक में आपको इंसर्ट करना है, और अभी आपको J3 को शिफ्ट करना है लास्ट ब्लॉक में। सो देखिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। सो आपको यहाँ पे लिखना है J3, और क्योंकि इसकी डेडलाइन की वैल्यू है 4, सो हम पहले यहाँ पे वैल्यू देंगे 0, 1, 2, 3 और 4। सो डेडलाइन 4 आखिरी एलिमेंट J3 है, फिर देखिए डेडलाइन वैल्यू 3, सो वो है J4, सो आपको वही पे मेंशन करना है, और डेडलाइन वैल्यू है 2 जो कि है जॉब नंबर J7। अब अभी आपको एंटर करना है J6, तो आपको यहाँ पे लिखना है J6। अभी हम सारे जॉब्स की प्रॉफिट वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो देखिए J6 की प्रॉफिट वैल्यू है 6 और डेडलाइन वैल्यू है 1, J7 की वैल्यू है 30 और डेडलाइन की वैल्यू है 2, और J4 की प्रॉफिट वैल्यू है 18 और डेडलाइन वैल्यू है 3, और लास्ट में है J3, सो प्रॉफिट वैल्यू है 20 और डेडलाइन की वैल्यू है 4। अब इसके बाद आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, फिर आप लिखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पे आपने जितने भी जॉब्स यूज़ किया है बस आपको उसकी सारे प्रॉफिट की वैल्यू आपको ऐड कर देना है। सो आपको यहाँ पे लिखना है 6 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 20, सो आपको टोटल प्रॉफिट मिलता है 74। उसके बाद फिर आपको लिखना है इसका जॉब सीक्वेंस। सो इसका सीक्वेंस रहेगा जो है, सबसे पहले जॉब नंबर J6, फिर आएगा J7, J4 और लास्ट में है J3। बस आपको उसके डेडलाइन के हिसाब से आपको सारे जॉब को अरेंज कर देना है। सो ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। सो आपको जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइन के एग्जांपल आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी एग्जांपल देखेंगे, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ये ख़त्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा। सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।